तो ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं रोज की तरह आराम से गेम खेल रहा था एंड मैं अचानक से ऑक्शन पे गया एंड ऑक्शन पे जाने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी कि वहां पे एक बंदा है रेजोनेंट नाम का जो कि मेरा इस सर्वर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है एंड भाई लिटरली स्पीकिंग उस बंदे ने पूरी की पूरी ऑक्शन पे ट्राइडेंट ही ट्राइडेंट सेल कर रखे थे, जिससे एक बात तो क्लियर थी कि उस बंदे के पास ट्राइडेंट फार्म है। तो फिर मैंने एक कमांड का यूज करके उस बंदे का पैसा चेक करा कि उस बंदे के पास कितना पैसा है एंड भाई लिटरली स्पीकिंग मैं उस बंदे का पैसा दे के भाई शॉक हो गया, क्योंकि उस बंदे के पास 4.4 मिलियन डॉलर थे एंड मेरे पास था घंटा। तो भाई थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि उस बंदे के पास जितना भी पैसा है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइडेंट फार्म से ही आया एंड यही से मैंने सोच लिया कि अभी मैं भी एक ट्राइडेंट फार्म बनाऊंगा एंड उस बंदे को टक्कर देंगे हम लोग एंड यही से स्टार्ट हो गई मेरी ट्राइडेंट फार्म बनाने की जर्नी। तो फिर मैं जल्दी से गया गोल्ड वर्ल्ड में एंड गोल्ड वर्ल्ड में जाने के बाद मैंने 3 से 4 बार रैंडम टीपी करी एंड जिसको भी नहीं पता रैंडम टीपी क्या होती है, तो हम लोग रैंडम टीपी करने से एक रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिससे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो 3 से 4 बार रैंडम टीपी करने के बाद थोड़ा सा इलेट्रा का यूज़ करने के बाद मुझे एक लेजेंडरी प्लेस मिल चुकी थी जहाँ पे मैं इस ट्राइडेंट फार्म को बना सकता था। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे टोटल 10,000 ब्लॉक्स का क्लेम लिया एंड भाई 10,000 ब्लॉक्स आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 10,000 ब्लॉक्स का क्लेम ले लिया एंड यहाँ पे अपना होम सेट कर लिया ताकि मैं यहाँ पे जल्दी से आ पाऊँ। तो मैंने सोच तो लिया था कि मैं एक ट्राइडेंट फार्म बनाऊंगा, लेकिन ट्राइडेंट फार्म बनाने के जो रिसोर्सेज थे वो मेरे पास कतई नहीं थे। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए थी सोल सैंड एंड सोल सैंड मिलती है नैदर में एंड भाई मेरे स्पॉन के कतई पास में सोल वैली थी एंड भाई आप लोग को पता ही है कि मुझे सोल सैंड चाहिए एंड मैं था सोल वैली में, तो मैंने वहाँ पे क्या ही करा होगा। तो थोड़ी देर चिल्लाने के बाद मेरा मतलब है माइनिंग करने के बाद मेरे पास पूरी की पूरी इन्वेंटरी में सोल सैंड ही सोल सैंड हो चुकी थी एंड मुझे लग रहा था कि इतनी सोल सैंड काफ़ी होगी। लेकिन जब मैंने बिल्डिंग करनी स्टार्ट करी, क्योंकि भाई मुझे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस पूरे के पूरे को भरना था एंड भाई जब मैंने बिल्डिंग करनी स्टार्ट करी तो ये जो बस एक साइड है ना, मैं बस यही बना पाया एंड मुझे अभी ये सेम टू सेम सोल सैंड का प्लेटफॉर्म दूसरी साइड भी बनाना था। तो मेरे पास जो सोल सैंड थी वो हो चुकी थी ख़त्म एंड मैं दोबारा से गया नैदर में। नैदर में जाने के बाद थोड़ी देर और सोल सैंड को माइन करा एंड इस बार मेरे पास टोटल 1 शल्कर बॉक्स पूरा भर गया था एंड मुझे लग रहा था कि इतना काफ़ी होगा एंड यस भाई इतना काफ़ी था। तो थोड़ी देर बिल्डिंग करने के बाद मेरे दोस्त Do65 ने मुझे मैसेज करा कि वो भी मेरी हेल्प करना चाहता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी सोल सैंड थी एंड हम दोनों ने मिलके इस वाले प्लेटफॉर्म को भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इस फार्म का 1% बनाया था एंड आप लोग सोचो भाई अब अगर ये 1% है तो भाई 100% कितना बड़ा होगा। Nice. तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो सोल सैंड का प्लेटफॉर्म है इसके साइड पे मुझे एक बाउंड्री करनी होगी जो कि टोटल वाई लेवल 78 से लेकर वाई लेवल 129 तक होगी एंड लिटरली स्पीकिंग गाइस ये जो हाइट है ना ये इतनी ज़्यादा ऊपर है एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे टोटल 6 शल्कर बॉक्सेस ऑफ स्टोन ब्रिक्स चाहिए थे एंड इतने सारे स्टोन ब्रिक्स इकट्ठे करने के लिए मैंने एक कोबल स्टोन जनरेटर मतलब एक स्टोन जनरेटर बनाया एंड वहाँ पे टोटल 4 घंटे AFK करा एंड तब जाके मेरे पास इनफ स्टोन ब्रिक्स हो चुके थे जिसके साथ मैं इस फार्म को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैंने एंड मेरे दोस्त Do65 हम दोनों ने मिलके इस पूरे के पूरे फार्म के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था जो कि हम लोग स्टोन ब्रिक्स के साथ बना रहे थे एंड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस फार्म का जो सिंपल वाला काम था वो ही कंप्लीट करा था एंड असली कंफ्यूजिंग काम तो अभी बाकी था। तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक पूरे के पूरे में मैग्मा ब्लॉक्स मैग्मा ब्लॉक्स लगाने होंगे, लेकिन कॉर्नर वाले ब्लॉक्स को छोड़ के। तो मैं इसको करके आता हूँ जल्दी से एंड मिलता हूँ ये करने के बाद।
ओके तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैग्मा ब्लॉक्स है ना इसके पूरे के पूरे में साथ जोड़ के ना मुझे 3 ब्लॉक्स ऊपर को लगाने पड़ेंगे एंड इसको 7 ब्लॉक्स टोटल आगे को मुझे खींचना है। तो ये 5 हो गया 6 एंड ये भाई थोड़ी सी काउंटिंग भाई गलत होगी। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो 8th वाली लाइन है ना ये भी मुझे ना सेम टू सेम बनानी है, लेकिन उसका जो एक ब्लॉक होगा ना वो एक ऊपर को होगा। तो जैसे कि मैंने अभी करा, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि इसको टोटल 8 ब्लॉक्स आगे को स्ट्रेच करना पड़ेगा। एंड आई नो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही ना अभी। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि सेम टू सेम ही अभी मुझे 5 ब्लॉक्स ऊपर को लगाने पड़ेंगे एंड 8 ब्लॉक्स आगे को, जो कि भाई क्या ही कहूँ भाई, क्या कभी ऊपर कभी नीचे भाई, क्या ही है ये। तो अभी मुझे ये करना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे टोटल 6 ब्लॉक्स ऊपर को जाना है एंड 8 ब्लॉक्स आगे को लगाने हैं एंड उसके बाद 7 ब्लॉक्स ऊपर एंड उसके बाद 9 ब्लॉक्स आगे को। तो मैं इस काम को जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये करने के बाद। ओके गाइस तो अभी मैंने इस पूरे का पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया एंड भाई लिटरली स्पीकिंग ये वाला पार्ट ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था, क्योंकि भाई कभी ऊपर कभी नीचे एंड भाई अभी मुझे क्या करना होगा कि ये वाली जो साइड है ना इसको पूरा का पूरा सेम टू सेम दूसरी साइड भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये करने के बाद। ओके तो गाइस अभी मैंने इस पूरे के पूरे फार्म को कंप्लीट कर दिया एंड भाई ये जो फार्म है ना भाई इसका जो स्ट्रक्चर है ना भाई इतना ज़्यादा कूल लग रहा है ना अभी, कभी ऊपर कभी नीचे एंड भाई इसने लिटरली मेरा दिल छू लिया है। तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैग्मा ब्लॉक्स है ना इसके पूरे के पूरे साथ जोड़ के ना मुझे एक डर्ट का टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि टोटल 7 ब्लॉक्स आगे को होगा। तो मैं अभी 4 ब्लॉक्स आगे आ गया हूँ एंड ये हमारा है 8th ब्लॉक, ठीक है। एंड 8th ब्लॉक पे ना हम लोग एक ब्लॉक ऊपर कर देंगे जैसे हम लोगों ने ये स्टोन ब्रिक्स को लगाया था। तो ऐसे ही सेम टू सेम मैं आगे को जाऊँगा एंड आगे को जाने के बाद जब मेरी स्टोन ब्रिक्स एक लेवल ऊपर जाएगी उसके साथ ही मैं एक डर्ट ब्लॉक को ऊपर करके लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने इस पूरे के पूरे फार्म को ढकना है एंड उसके बाद इस फार्म के ऊपर और काम करना है। तो मैं मिलता हूँ ये सारी की सारी डर्ट लगाने के बाद एंड आप लोग इसके टाइम लैप्स को एंजॉय करो। ओके तो गाइज अभी मैंने इस पूरे के पूरे डर्ट के प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर से इस डर्ट के प्लेटफॉर्म का एक लेवल ऊपर जा रहा है ना वहाँ पर मुझे ना एक वाटर बकेट प्लेस करनी है एंड ऐसा मुझे हर जगह पे करना है। एंड वाटर प्लेस करने के बाद उसके बीच में मुझे एक साइन बोर्ड भी प्लेस करना है ताकि वो जो वाटर है ना वो लॉक हो जाए। तो मैं सारा का सारा काम जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये काम करने के बाद। ओके तो गाइस अभी मैंने इस पूरी की पूरी जगह पे पानी ही पानी कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैंने अभी डर्ट का प्लेटफॉर्म बनाया था ना अभी मुझे इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये जो ऊपर पानी है ना ये हमारे फार्म के अंदर जाए एंड उस पानी में ड्राउन स्पॉन हो। तो मैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म को जल्दी से तोड़ के आता हूँ एंड मिलता हूँ ये तोड़ने के बाद। ओके तो गाइज अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो सोल सैंड का प्लेटफॉर्म है ना इसकी टोटल बाउंड्रीज पे ना मुझे कैल्पी कैल्प लगानी होगी, लेकिन एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ के। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे ड्राउंस होंगे ना वो आराम से ऊपर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक बबल एलिवेटर बन जाएगी। तो मैं इस काम को जल्दी से करके आता हूँ एंड आप लोग इसके टाइम लैप्स को एंजॉय करो। ओके
ओके तो गाइज अभी मैंने इस पूरी की पूरी जगह पे एक बबल एलिवेटर बना दिया है। तो भाई ये जो बबल एलिवेटर है ना ये इतना ज़्यादा ओपी वाला काम कर रही है ना भाई, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि एक दो राउंड तो भाई यहाँ पर आ ही चुके हैं ऊपर को पहले से ही। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो कैल्प अभी मैंने लगाई है ना भाई, इस पूरी की पूरी कैल्प को मुझे तोड़ना पड़ेगा। एंड भाई लिटरली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम था, क्योंकि जब भी मैं कैल्प को तोड़ रहा था ना भाई, ये कैल्प मुझे दोबारा से आगे को धक्का मारी थी। एंड भाई मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा हार्ड था ना। लेकिन भाई आपके भाई ने ना जैसे तैसे करके इसको कर ही लिया एंड बस। तो इसी के साथ ये वाले फार्म की ये एक साइड जो थी ना भाई वो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। एंड जितना मैंने सोचा था ना भाई उससे कई गुना ज़्यादा भाई ये वाले साइड ने भाई टाइम ले लिया। एंड अभी मुझे ये वाली सेम टू सेम साइड दूसरी साइड भी बनानी पड़ेगी। एंड भाई लिटरली स्पीकिंग ये वाली साइड ने तो भाई हालत ख़राब कर दी थी, इतना ज़्यादा टाइम लिया ना। तो अभी गाइस मुझे ये सेम टू सेम दूसरी साइड भी बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको जल्दी से बना के आता हूँ एंड मिलता हूँ दूसरी साइड बनाने के बाद। तो गाइस अभी ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि जो इस फार्म की दूसरी वाली साइड थी एंड जो इस फार्म का किलिंग चेम्बर था जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ भाई, जब मैं इस वाली पार्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना तो भाई लिटरली स्पीकिंग आई डोंट नो कैसे, लेकिन भाई मेरी कोई गलती थी एंड उसकी वजह से भाई इस वाली फाइल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी इसकी फाइल जो थी वो करप्ट हो गई है। एंड भाई आई डोंट नो ये कैसे हुआ कब हुआ, लेकिन भाई वो जो पार्ट थे ना वो जो क्लिप्स थी जितनी भी भाई वो सारी की सारी करप्ट हो चुकी हैं। एंड भाई अभी मैं क्या ही करूँ, उनको मैं सही भी नहीं कर सकता। तो गाइस मैं ना आप लोग को एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ कि उस फाइल करप्ट हुए वाली वीडियो में मैंने आखिर क्या क्या करा एंड भाई इस फार्म को मैंने आखिर कैसे कंप्लीट करा एंड ये फार्म जो है ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है। तो मैं अभी आपको ये पूरा का पूरा बताता हूँ एंड ये भी बताऊँगा कि भाई ये फार्म ने आखिर मुझे कितने ट्राइडेंट दिए। एंड तो चलो गाइस अभी चलते हैं एंड दिखाता हूँ मैं आपको। ओके तो गाइस ये वो वाली साइड जो कि हम लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो में बनाई थी एंड भाई ये वाली साइड ने बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा है। एंड ये वाली साइड जो अभी आप देख पा रहे हो ना भाई, ये पूरी की पूरी साइड जो है ये पूरी की पूरी वीडियो लॉस में आई थी। एंड भाई ये वाली साइड ने भी कतई बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करा। एंड भाई अभी मैं ना इसका आपको मैकेनिज़म बताता हूँ कि भाई एक्चुअली इस फार्म में हो क्या रहा है। तो भाई आप लोगों ने अभी अभी देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बबल निकल रहे थे, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बनी रही है बबल एलिवेटर जो कि सारे के सारे ड्राउंड्स को ऊपर लेकर आती है। एंड उसके बाद यहाँ पर है एक वाटर का फ्लो जो कि सारे के सारे ड्राउंड्स को आगे को धक्का मारता है एंड ये जाते हैं सारे के सारे ड्राउंड्स यहाँ पे नीचे। एंड यहाँ पे मैंने दो वाटर बकेट्स लगा रखी हैं ताकि सारे के सारे ड्राउंड्स आगे को जाएँ। एंड आगे को जाने के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे गिरते हैं एंड यहाँ पर एक है और बबल एलिवेटर जो कि सारे के सारे ड्राउंड्स को हमारे पास ऊपर किलिंग चैम्बर तक लेकर आती है। एंड वहाँ पे हम लोग आराम से AFK करते हैं एंड इन सारे के सारे ड्रोन्स को मार देते हैं। एंड भाई अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस फार्म के साथ मुझे कितने ट्राइडेंट्स मिले एंड क्या क्या और आइटम्स मिली। तो भाई एक सेकंड रुको, मैं अभी F1 दबा के अपने रियल स्क्रीन पे आता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि भाई ये कितनी आइटम प्रोड्यूस करता है। ओके तो गाइज़ यार आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि मेरे पास टोटल 11 ट्राइडेंट आ चुके हैं। एंड भाई लिटरली स्पीकिंग ट्राइडेंट तो आए ही हैं, लेकिन भाई साथ में 2-3 डबल चेस्ट भर के रोटन फ्लैश भी हो चुका है। एंड आई डोंट नो भाई इतने ज़्यादा रोटन फ्लैश का मैं आखिर करूँगा क्या, लेकिन भाई मेन चीज़ तो है हमारे ट्राइडेंट। एंड अगर इन ट्राइडेंट को मैं ना लिटरली स्पीकिंग मैक्सड आउट करके बेचूंगा ना तो भाई रेजर एंड तो मेरे सामने कतई कुछ है ही नहीं भाई, मिलियन यूँ आ जाएंगे मिलियन डॉलर्स। तो भाई आज की यार इस वीडियो में इतना ही। एंड गाइज यार मेरी जो नेक्स्ट जाटेक्स की वीडियो होने लगी है ना वो एक टाइप की लास्ट वीडियो होगी, लेकिन भाई वो सबसे ज़्यादा तगड़ी वीडियो होने लगी है जो कि मैं अभी वीडियो डालूंगा नेक्स्ट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।